और अब बात मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की, जिन्होंने बेरोजगार युवाओं के लिए कई योजना और नई योजना का ऐलान किया। शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री सीखा कमाओ योजना को मंजूरी दी है और इसके लिए बेरोजगार युवाओं को 8 से 10 हजार रुपए प्रतिमाह काम सीखने के दौरान दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि बेरोजगारी भत्ता देना बेमानी है और बेईमानी है और इस वजह से हम बैसाखी नहीं बल्कि उड़ने के लिए पंख दे रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज ने कहा कि इस योजना में काम सीखने के बदले पैसा दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि योजना के तहत 12वीं ITI ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट इसमें जो क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है वो होगी। साथ ही स्मार्ट सिटी पार्क में पौधारोपण के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आगे कहा कि मध्य प्रदेश सरकार रोजगार की दृष्टि से कई प्रयास कर रही है। 1 लाख पदों की भर्ती की प्रक्रिया भी चल रही है। 60,000 से ज्यादा भर्तियां हो गई हैं और 40,000 भी जल्द हो जाएगी। 15 अगस्त तक 1 लाख जो भर्तियां हैं पूरी की जाएंगी। अपने बेरोजगार बेटा बेटियों के लिए एक नई योजना को कैबिनेट ने मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना, नाम हमने सरल रखा है ताकि गरीब से गरीब मतलब बिना ज्यादा परेशानी के योजना एकदम क्लिक हो सके। सीखो और कमाओ, लर्न एंड अर्न अगर अंग्रेजी में कहें, इस योजना के अंतर्गत 12वीं पास, जिन्हें ITI किया है वो बच्चे, जिन्हें ग्रेजुएशन किया है पोस्ट ग्रेजुएशन किया है वो सारे के सारे इस योजना के लिए हमने अलग अलग तरह के कई काम, लगभग 700 हैं वो, इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिकल सिविल मैनेजमेंट होटल मैनेजमेंट टूरिज्म और ट्रेवल अस्पताल रेलवे ITI सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का क्षेत्र बैंकिंग बीमा लेखा चार्टर्ड अकाउंटेंट और अन्य वित्तीय सेवाएं संबंधी काम बच्चों को सिखाए जाएंगे। काम सिखाने के लिए ये अलग अलग जो चाहे वो इंडस्ट्रीज हो, बड़े उद्योग हो, MSME उद्योग हो या सर्विस सेक्टर हो, उसके 700 काम अलग अलग सिखाए जाएंगे। और काम किसी प्राइवेट फैक्ट्री हो, इंस्टीट्यूशंस हो, कोई कॉलेज हो, कोई अस्पताल हो, अलग अलग जगह सीखेंगे। लेकिन काम सीखने के बदले हम बच्चों को पैसा देंगे और DBT के माध्यम से ये पैसा उनके खातों में जाएगा। बच्चे काम सीखेंगे तो जो बच्चे 12वीं पास है उन्हें 8,000 रुपया महीना, जो बच्चे ITI उत्तीर्ण हैं उनको 8,500 रुपया महीना, जिन्होंने डिप्लोमा किया है उनको 9,000 रुपया और इससे अधिक ऊंची डिग्री धारी वाले बच्चों को 10,000 रुपया प्रतिमाह स्टाइपेंड दिया जाएगा। रोजगार की दृष्टि से मध्य प्रदेश सरकार अनेकों प्रयास कर रही है। आप जानते हैं 1 लाख पदों की भर्ती की प्रोसेस चल रही है, 60,000 से ज्यादा हो गई है, 40,000 भी जल्दी हो जाएगी, 15 अगस्त तक 1 लाख भर्ती कंप्लीट हो जाएगी। मैंने आज फिर निर्देश दिया कि और कहां कहां गुंजाइश है भर्ती की शासकीय सेवा में, उसका भी परीक्षण करके 15 अगस्त के बाद भी भर्ती की प्रक्रिया चालू रहेगी 1 लाख के अलावा। दूसरा, स्वरोजगार के प्रयास हमारे निरंतर चल रहे हैं। आप सब जानते हैं हर महीने हम रोजगार दिवस करते हैं और उस दिन लगभग 2.5 लाख नौजवानों को स्वरोजगार के लिए लोन, जिनमें से गारंटी सरकार लेती है और ब्याज का अनुदान भी देती है,
तो स्वरोजगार के माध्यम से भी रोजगार के अवसर पैदा करने का हमारा